बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बिहार में जो सड़कों का जाल फैला, बिहार के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। सरकार की एक बड़ी सोच रही सड़कों के निर्माण के लिए, उसको अच्छे और सुंदर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। उसका नतीजा मिला कि बिहार में जो भी इलाके हैं गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई। मगर सरकार की जो एक कोशिश है उस पर जो है अतिक्रमण के कारण जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर जो चलने वाले गाड़ियां हैं उस पर ब्रेक लग रही है। देखिए पटना में हम खड़े हैं और पटना का ये दानापुर का सगुना मोड़ का इलाका है। यहाँ पर बिहार सरकार के तरफ से जो है पथ निर्माण विभाग की तरफ से 6 लेन रोड बनाया गया है। ये पहले खगौल रोड के नाम से जाना जाता है, अभी भी इसका नाम खगौल रोड है, मगर जो रोड पहले थी वो 20 फीट के करीब थी, अब 60 फीट के करीब जो है देखिए इस रोड की चौड़ाई है। बहुत ही बृहद पैमाने पर काम किया गया है, गाड़ियों की रफ्तार अच्छी रहे, कहीं जाम की समस्या जो पहले लगती थी वो सब समस्याएँ खत्म हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक विशेष काम किया गया था। मगर अब देखिए स्थितियाँ जो है इस पर जो है कुछ स्थानीय जो है लोगों के तरफ से जो है अतिक्रमण किया गया, वो अतिक्रमण घर बनाकर नहीं, बाउंड्री घेर कर नहीं, गाड़ियों से अतिक्रमण किया गया। देखिए ये तमाम जो आप गाड़ियां सड़कों पर पार्क देख रहे हैं, हाइबा हो या जेसीबीज हो, ये तमाम देखिए सड़क देखिए बस मात्र 2 लेन बचा हुआ है। अगर गाड़ियों की फ्लो होती है शाम के समय, ऑफिस आवर के समय जो होता है, आप यहाँ पर जाम की समस्या देखेंगे। देखिए ये स्थिति जो है बनी हुई है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग ये दोनों के जो है क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ ये विषय है, मगर अनदेखी ये है कि राजधानी पटना में इस तरह का जो कहा जाता है कि अगर सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है और गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग रही है, तो कहीं ना कहीं आम जन के लिए जो बिहार सरकार और पथ निर्माण विभाग की तरफ से जो काम किया गया है उसको जो है उस काम को लेकर जो है सरकार की अनदेखी होगी, यानी डिपार्टमेंट की अनदेखी है, और इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। इसे कैमरा पर्सन सुनील के साथ गौतम गौंड का न्यूज पटना।